नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की रोमांचक जीत के बाद आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा अलटफेर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पॉइंट्स टेबल में लगा बड़ा झटका। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 का 15वां मुकाबला खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवर्स में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से डुप्लेसी ने सर्वाधिक नाबाद 79 रनों की पारी खेली। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन शानदार रहा और 20 ओवर्स में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से स्टॉइनिस ने सर्वाधिक 65 रनों की पारी खेली। वहीं 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 62 रन बनाने वाले निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत के साथ ही आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल बदल गया। तो चलिए नजर डालते हैं आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स 6 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। इसने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 जीते जबकि 1 हारा है। राजस्थान रॉयल्स 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 जीते जबकि 1 हारा है। कोलकाता नाइट राइडर्स 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 जीते जबकि 1 हारा है। गुजरात टाइटंस 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 जीते जबकि 1 हारा है। चेन्नई सुपर किंग्स 4 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 जीते और 1 हारा है। पंजाब किंग्स 4 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 जीते जबकि 1 हारा है। सातवें स्थान पर 2 अंकों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 जीता और 2 हारे हैं। आठवें स्थान पर 2 अंक के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। इसने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 जीता जबकि 2 हारे हैं। मुंबई इंडियंस की टीम 0 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। इसने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही हारे हैं। और 10वें स्थान पर 0 अंक के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। इसने 3 मुकाबले खेले और तीनों ही हारे हैं। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्रिक फादर को सब्सक्राइब कर लीजिए।